नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आईडीबीआई बैंक के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट या चेंज कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास भी आईडीबीआई बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को आपको अपडेट करना है, तो कैसे यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो, कैसे आपको यहाँ पर अपडेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा आईडीबीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे आपको यहां पर अपडेट करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आईडीबीआई बैंक के जो भी मोबाइल बैंकिंग है आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। अगर आपको रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, वीडियो के लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो पहले आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के टाइम पे जो भी आपने एम पिन क्रिएट किया था वही एम पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एम पिन फिलअप करने के बाद मोबाइल बैंकिंग इसी तरीके से लॉगिन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा और ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी पुराने मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आप न्यू मोबाइल नंबर ऐड करने चाहते हो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने आधार नंबर के लास्ट के 6 डिजिट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को ऐड या चेंज करना है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई देगा, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। पहला जो भी इंटरफेस था यहाँ पर अलग था, अब यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद आपके पास इसी तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके ईमेल आईडी ऐड नहीं है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से दिखाई देगा। अगर आपके ईमेल आईडी ऐड होगा आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। अब ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद जो भी डोमेन नाम है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जीमेल है तो मैंने यहाँ पर जीमेल चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई देगा, चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी ऐड करने के लिए डिटेल्स फिलअप किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा जेनरेट सॉफ्ट टोकन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर टोकन नंबर अपने आप जेनरेट हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म दिखाई दे रहा है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने काम करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी दिखाई देगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो रेफरेंस आईडी को नोट करके रख लेना है। तो अगर आप भी चाहते हो मोबाइल नंबर को चेंज करना है या अपडेट करना है या ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर चेंज या अपडेट करना है तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे काम कर लेना है। तो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।